हाय गाइस, इस समय हम सब बात करने वाले हैं मणिपुर गांव की। इस समय गाइस मणिपुर गांव में दंगे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और दाती विवाद हो रहे हैं, दातियों के लिए झगड़ा हो रहा है। और गाइस ये गांव में गाइस इस समय औरत लड़की और बेटियों पे अत्याचार भी हो रहे हैं। गाइस मैं आपको एक तोता सा वीडियो दिखाऊंगा, आप ये वीडियो देखो। मणिपुर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। सैकड़ों की भीड़ दो महिलाओं को सड़क पर निर्वस्त्र कर घुमाती दिख रही है। एक आदिवासी संगठन ने आरोप लगाया है कि दोनों महिलाओं के साथ पास के एक खेत में सामूहिक बलात्कार किया गया है। भीड़ में चल रहे वैसी दरिंदे लड़की को थप्पड़ मार रहे हैं, जबरदस्ती उसके प्राइवेट पार्ट छू रहे हैं। कुकी संगठन ILTF का कहना है कि ये दोनों पीड़िताएं कुकी समाज से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। ये पूरा विवाद आदिवासी दर्जे को लेकर शुरू हुआ। राज्य के बहुसंख्यक मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी के विरोध में आदिवासियों में गुस्सा है। हालत बेकाबू 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश से होते हैं, जब हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वे 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजाति मैतई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। यहां मुख्य रूप से 3 समुदाय हैं, पहला मैतई, दूसरा नागा, तीसरा कुकी। इसमें नागा और कुकी आदिवासी समुदाय, जबकि मैतई गैर आदिवासी। भारत जैसे देश में जहाँ लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है और खुद को लोकतांत्रिक देश बताया जाता है, वहाँ के एक राज्य से जब ऐसी घटना सामने आती है तो कानून से लेकर संविधान तक पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये उस लड़की की कहानी है जिसे आपने 19 जुलाई को मणिपुर से वायरल हुए वीडियो में देखा होगा। अपने साथ हुई बर्बरता की कहानी बयां करते हुए पीड़िता का कहना था कि भीड़ गांव के घरों को जला रही है तो मेरा परिवार और दूसरे लोग भाग निकले, लेकिन भीड़ ने हमें खोज लिया। हमारे पड़ोसी और उसके बेटे को कुछ दूरी पर ले जाकर मार डाला। इसके बाद भीड़ महिलाओं पर हमला करने लगी और हमें कपड़े उतारने के लिए कहा गया। हम पुलिस की गाड़ी में थे, लगा था वो हमें बचा लेंगे, लेकिन मैती लड़कों की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया। हमें उतार कर इधर उधर छूने लगे और कहने लगे जिंदा रहना है तो कपड़े उतारो। हमने मदद के लिए पुलिस वालों की तरफ देखा, उन्होंने मुंह फेर लिया, फिर हमने कपड़े उतार दिए। मणिपुर गांव के अंदर से ऐसी घटना सामने आने के बाद अत्य कुमार का कहना है कि लगा बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है, कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार, छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बेंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही हैं, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना। मणिपुर गांव के अंदर ऐसा मामला सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी भाषण दिया और हम तब इनका भाषण सुनेंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान,
और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मणिपुर के अंदर ऐसा मामला सामने आने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमने इमीडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहाँ जहाँ में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि इफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दें, उसको हम इफर्ट करेंगे। नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 8 दिन के बाद आज काफ़ी कर मतलब स्ट्रिंजेंटली बहुत एक्शन के बारे में बात किया है। इसमें आपका जिस तरह का रिस्पॉन्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आने वाला और CJI के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कंडेमनेशन जो हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हर एक जो आदमी मतलब जो दुनिया में है हम लोग ह्यूमनिटी ह्यूमन बींग्स, इसको कंडेम करेंगे, कंडेम करना है, इसको कंडेम करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और